जो औरों को नसीहत और खुद मियां फजीहत। वजीर दाखला चौधरी निसार के मेरिट पर अमल दरामद के भाषण और ओपोजिशन पर तनकीद अपनी जगह, लेकिन लगता है कि अपनों को नवाजने के लिए सबका मंशूर एक ही है। अब मुजफ्फर अली को डिप्टी चेयरमैन तैनात करते वक्त शायद वो सब कुछ भूल गए। नादरा में इस तैनाती ने अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल नंबर एक, मुजफ्फर अली को नवाजने के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एतराज क्यों रद्द किया गया? सवाल नंबर दो, एक जनरल मैनेजर को इतनी अहम पोस्ट क्यों और कैसे दी गई? सवाल नंबर तीन, वजीर दाखला ने तैनाती के लिए वजीर आजम को भी एतमाद में लेना मुनासिब क्यों ना समझा? सवाल नंबर चार, सानेहा क्वेटा 8 अगस्त को वजीर दाखला ने बलूचिस्तान जाने के बजाय इस्लामाबाद में रहकर आउट ऑफ रूटीन इजलास क्यों बुलाया? सवाल नंबर पाँच, चौधरी निसार ने ही साबिक चेयरमैन नादरा तारिक मलिक को मेरिट के खिलाफ तरक्की और तैनाती पर फारिग किया था, लेकिन अब खुद वही काम किया, ऐसा क्यों? क्या ये दुरुस्त है कि ज़राए के मुताबिक चौधरी निसार नादरा रिकॉर्ड से मुतल्लिक मर्जी की रिपोर्ट्स लेना चाहते हैं? ज़राए के मुताबिक नए डिप्टी चेयरमैन नादरा को शनाख्ती कार्ड की जाँच पड़ताल और जारी वोटों से मुतल्लिक भी अहम टास्क सौंप दिया गया है। इस सब के बावजूद नादरा हुकाम का दावा है कि नए डिप्टी चेयरमैन को नादरा ऑर्डिनेंस 2000 रेगुलेशन की शिक 4 और नादरा एम्प्लॉयज रेगुलराइजेशन के तहत कानूनी तहफ्फुज़ दिया गया है।